नमस्कार, मेरा आज का वीडियो है शादी विवाह के व्यंजन और जनता की हेल्थ। अक्सर हम शादी विवाह में जो होस्ट होता है बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करता है, वो सैकड़ों किस्म की डिशेस व्यंजन परोसे जाते हैं, परंतु वो व्यंजन क्या आपस में एक दूसरे से मिलके क्या शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? आज भारत में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और दूसरी भी बीमारियां, ये सब फूड के जो कारण हैं, फूड का कम्बिनेशन जो होता है वो ठीक नहीं होता। अब एक तरफ तो दूध की कढ़ाई लगी है, दूसरी तरफ भले लगे हुए हैं, चटनियां खा रहे हो, और इन सब कम्बिनेशन का फूड जो है वो कई बार हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और वैसे भी शादी विवाह के फंक्शन के जो फूड होते हैं उसमें क्रीम मक्खन वगैरह, जैसे दाल मखनी में तो बहुत क्रीम मक्खन होता है, शाही पनीर वगैरह में भी बहुत क्रीम मक्खन होता है, ग्रेवी होती है वो काजू वगैरह की होती है, तो वो भारी खाने होते हैं, हैवी, और रात को ऐसे खाने पचाना मुश्किल होता है। और जो लोग शादी में फंक्शन में अटेंड करके आते हैं वो रात को कोई वॉक तो कर नहीं पाते, या 2-3 किलोमीटर वॉक करें वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 10, 10:30, 11 तो वहीं बच जाते हैं, फिर सुबह में ड्यूटी में भी जाना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा विचार है, मेरा सुझाव है कि जो डाइटिशियन हैं उनकी मदद ली जाए कि कौन कौन से फूड हेल्थ के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से कम्बिनेशन ऑफ फूड हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उस प्रकार के व्यंजन परोसे जाएँ। मतलब डाइट क्योर जो है, डाइट क्योर कैटरिंग, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, फूड फॉर हेल्थ, तो डाइटिशियंस को भी कैटरर के साथ क्लब किया जाए ताकि जो भी भोजन बने वो स्वादी तो हो परंतु हेल्थ के लिए अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो उस आइटम के अंदर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट बनाओ, परंतु हेल्थ फर्स्ट। जो गेस्ट हैं वो होस्ट के जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनको ब्लेसिंग करने आते हैं, उनके लिए गुड विशेज लाते हैं, और फिर वो खुद बीमार होके जाएँ या उनको परेशानी हो किसी प्रकार की हेल्थ की, तो ठीक नहीं है। मेरा विचार है कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखना होस्ट का फ़र्ज़ है। तो अगर एक डाइटिशियन की हेल्प ली जाए या डाइटिशियन जो है वो कैटरर के साथ मिल के इस तरह का जो है व्यंजन प्लान करें कि वो हेल्थ के लिए अच्छे हों, तो शायद सबका भला होगा। इस पर विचार करें, सरकार भी सोचे, और जिससे जनता का भला हो, देश के विकास हो, उसको अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।